सादिक और अमीन होने के दलाइल दे रहे, और उनमें सरे फरिश्त जो है फरूख सत्तार साहब जो टिड्डे हैं, और दूसरा फैजल हसन चौहान साहब। फैजल हसन चौहान साहब, मैं सबसे पहले तो आपको मुखातिब करते हूँ, क्योंकि मैं आपकी कहूँ कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, और हमेशा जब भी मीडिया चैनल ने मुझसे पूछा था तो मैंने आपकी असलियत छुपाई थी। मैंने हमेशा बोला था कि वो बहुत अच्छे इंसान है, मैंने वो नहीं बोला था कि जैसे आप हो। क्यों? क्योंकि मैं दुनिया के सामने आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती थी, बदनाम नहीं करना चाहती थी। आपका ये जो कैरियर है इसको मैं खराब नहीं करना चाहती थी। वैसे तो मुझे पता है और अल्लाह को पता है और कि आप कितने 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 गलीज इंसान है, और आप मीडिया PNN को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मैं पब्लिसिटी स्टंट के साथ, और शुक्र है मेरे साथ शादी नहीं और इस पार्टी का नाम नहीं लिया, बदनाम मेरे ऊपर नाम आ जाता। तो पहले यह है कि आप अपनी बीवियों के साथ वफा करें। आपकी बीवियों को तो अभी मैं आपके करतूत बताऊंगी और बहुत जल्दी बताऊंगी, और फिर उनको पता चलेगा आपके कि आप किस तरह के लोग हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। सो आप इस काबिल नहीं हो कि आपके नाम के साथ मैं अपना नाम जोड़ूंगी, और ना मैं आप लोगों को इस काबिल समझती हूँ और ना कभी समझूंगी। और फारूक सत्तार साहब, आप बिल्कुल झूठ ना बोले कि किसी के साथ आई थी और मुलाकात हुई थी। मुलाकात वो हमारी PC होटल में हुई थी, वो होटल का रूम था, और वो आवाम इतनी जाहिल नहीं, और आप खुद मुझसे मिलने का शौक रखते थे, इश्तियाक रखते थे, और 6 महीने से आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कराची आएंगी तो मेरी मेहमान होंगी, ये होंगी, वो होंगी। और आप जब हम कराची आए थे तो आप खुद चल के हमारे पास मिलने के लिए आए थे, हम आपके रूम में नहीं मिलने के लिए गए थे। तो झूठ क्यों बोलते हो आप आवाम के साथ, जब सच बोल ही नहीं सकते, सच्ची बातों की तस्दीक कर ही नहीं सकते, तो आप लोग क्या सियासत करोगे? आप लोग क्या, ये मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी आवाम से मिलते जा करूंगी, कैसे लोगों को वोट देकर ऐसे लोगों का इंतखाब ना करें। ये झूठे और गलीज लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को बदनाम करने के लिए। और फैजल हसन चौहान, नेक्स्ट टाइम मेरा नेम मत लेना, अगर अपनी जुबान से मेरा नेम लेके मुझे किसी भी तरह की कोई भी बात कहीं से भी मिली तो मैं सारी की सारी बातें इमरान खान को बता दूंगी, और आपके वो छुपे करतूत भी बताऊंगी कि इमरान खान साहब आपको लात मार के PTI से पार्टी से बाहर कर देंगे, फिर आपकी क्या इज्जत रहेगी।